Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So today we have some important questions related to solid state. So these are multiple choice questions. They are useful in your neat exams, board exams, mains exams, and CUET etc. okay. then from question number one, so question number one is which of the following property is attributed to amorphous solid to so which solid is two crystal or amorphous? ठीक है अब पूछ रहा है कि अमॉर्फस सॉलिड मतलब जो क्रिस्टल नहीं है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी तो अगर मैं उल्टा शुरू करूं तो थोड़ा देखें लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी वहां तक सारे पार्टिकल्स अरेन्ज है तो हम कहेंगे तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स किसका होता है तो हम कहेंगे क्रिस्टल का होता है देन एन आइसोट्रोपी अलग अलग डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग मिलना ये भी प्रॉपर्टी क्रिस्टल की है है ना तो करेक्ट आंसर अब आपको मिली गया आइसोट्रोपी आइसोट्रोपी इज द करेक्टिस्टिकमोरफस सॉलिड क्लियर सो वी विल करेक्ट आंसर इज अमॉरफस सॉलिड के लिए आइसोट्रोपी सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट सॉलिड इज द कंडक्टर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट सॉलिड इज कंडक्टर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है तब तो आपको ऐसा कोविलेंट सॉलिड बताना है जो कंडक्टर हो मतलब जिसका थ्री में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी हो और कंडक्टर हो तो हम बताएं थ्री डी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है और जनरली कोविलेंट सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के और वो एक कौन है तो देखो चाहे सिलिकन कार्बाइड हो चाहे ए एल एन है ना ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड है बच्चों ए एल है ठीक है देन डायमंड ये सब तो इंसुलेटर होते हैं सिर्फ एक अकेला है हमारे पास और वो है ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ

रेगुलर तो नहीं होता क्रिस्टल तो रेगुलर होता है और इनडिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन तो होंगे कि नहीं हीट ऑफ फ्यूजन भी उसका फिक्स होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ठीक है तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शार्प मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में अगर आपको सही लिखना है तो यहां लिखना है निश्चित ठीक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड तो बच्चों चार सॉलिड है इनमें बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है अब देखो सी टू और एसओ टू में तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की उम्मीद करना ही गलत है अब वॉटर और एच टू ओ तो वाटर तो लिक्विड है ना तो लिक्विड थोड़ी ना पूछ रहा होता तो आपसे पूछ रहा है सॉलिड कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो सॉलिड भी होना चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए मतलब वो बर्फ की बात कर रहा है बच्चों तो वाटर बॉडी करेक्ट मत कर देना वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिल्कुल सही है लेकिन वो कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सॉलिड कौन सा है इसलिए करेक्ट आंसर होगा वॉटर सॉलिड एच सॉलिड यानी आइस की बात कर रहा है बच्चों देन ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो बच्चों ग्लास क्या है तो हम कहेंगे ग्लास क्रिस्टल नहीं है वो अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड तो नहीं कहते

तो बच्चों NaCl ठीक है आयन से MgO ZnS ठीक एम जी प्लस टू ओ माइनस और जेड एन प्लस टू सल्फर माइनस टू सारा आयनिक है कोई दिक्कत नहीं एक मेटल ढूंढ लो एक नॉन नॉन मेटल ढूंढ लो अब आपको लगेगा सेकेंड क्यों नहीं तो बच्चों सेकेंड में तो सिलिका है अब सिलिका आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा सिलिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट 3D डी नेटवर्क सॉलिड ऐसा कुछ था भाई तो हम कहेंगे ये तो कोवेलेंट थ्री डी नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है तो ये तो गलत होगा फिर थर्ड में फिर ऐसा ही ऑटो तो मैं नहीं ले सकती उसको तो फिर ऐसा ही ऑटो है और SIC भी है, carbide, तो ये भी नहीं बैठेगा ठीक है सो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड चाहिए तो आपका आंसर हो जाएगा एन एस सी एल एनजीओ एंड जेड एन इज करेक्ट आंसर इज वन नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ध्यान रखना ओनली एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो आपको लगे कॉर्नर पे बनाता हूं तो बीसीसी बनाते हो तो कॉर्नर पे बनाते और पे बना हो और बॉडी के सेंटर में रखते हो एफ बनाओगे तो कॉर्नर पे तो रखते हो लेकिन साथ साथ में फेस सेंटर पे रखते हो लेकिन सिर्फ कॉर्नर की बात करूं तो फिर हमारा आंसर होगा प्रिमेटिव यूनिट सेल है ना सिंपल यूनिट सेल इसे हम एस भी बोल सकते हैं ना सिंपल क्यूबिक सेल ठीक है सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो फ्रेंकल डिफेक्ट तो विच ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट उसमें होना चाहिए जिसमें कॉर्डिनेशन नंबर कम होता है फ्रेंकल डिफेक्ट उसमें होता है जिसमें कॉर्डिनेशन नंबर कम होता है लेस कॉर्डिनेशन नंबर तो हम कहेंगे लेस में जेड एन एस भी सही था है ना आपका ए जी सी एल ए जी वी आर ए जी आई सब सही थे सो so, सारे आंसर किसमें मिल गए तो हम कहेंगे ऑल हो जाएगा Now the solids which are good conductor of electricity should have conductivity in the order of. अब बच्चों conductors का conductivity range जो होता है that is from 10 to the power 4 to 10 to the power 7. ठीक है conductors की conductivity range जो है वो आपकी ये होती है ohm inverse या आप लिख सकते हैं इसको ohm inverse और meter inverse. ठीक है. अब आपके पास क्या है 10 to the power 7 तो आ गया. माइनस माइनस का तो चलेगा नहीं और टेन टू दी पावर फोर दोनों आंसर है तो कंडक्टिविटी रेंज दस की पावर चार से शुरू होती है और मैक्सिमम टेन टू दी पावर सेवन होती है तो अगर आपसे कंडक्टर की बात करो तो टेन टू दी पावर फोर से शुरू होती है उससे बढ़ती है आगे है ना दस हजार से ज्यादा ही कंडक्टिविटी रहती है तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ आपको सेट करना है दैट इज टेन टू दी पावर सेवन आपको मैक्सिमम बताना है क्योंकि वो कह रहे हैं गुड कंडक्टर है ना तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी आपको बतानी है देन स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंटी फैरो मैग्नेटिक सब्सटेंस अब अगर मैं शुरू करूँ उसको देखो एंटीफेरो तो आयरन मैंगनीज के जो ऑक्साइड्स है दे आर एंटीफेरो ठीक है जिनमें एंटीफेरो मतलब बिल्कुल भी है ना मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं मिलेगा जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा तो हम कहेंगे देखो वो तो फेराइड्स है वो फेराइड्स है तो फेरी मैग्नेटिक में आएगा ये तो आपका फेरो मैग्नेटिक है मैग्नेटिक टेप बनाने के काम आता है सीआरओ टू और एन एसीएल जो है ये आपका होता है डाया मैग्नेटिक बोलते प्रति चुंबकीय तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे सो एंटी फेरोट इज एम एन ओ देन स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डाया मैग्नेटिक तो अभी बताया ये सारे फेराइट से? है ना तो ये जो है ये सारे फेरी मैग्नेटिक है अब डाया मैग्नेटिक तो हम कहेंगे ओनली एक आंसर है एन ए सी एल मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू अब बच्चों मेटल ज़्यादा है क्योंकि माइनस कम है अब इसकी दो वजह हो सकती थी या तो नेगेटिव पार्ट जो है, है ना मेटल प्लस और आ, एनायन जिसे कह रहे एनायन अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल में से आउट ऑफ द क्रिस्टल चला जाए तब भी हो सकता है तो हम गएंगे अगर क्रिस्टल अपनी जगह छोड़ के एनायन अपनी स्पेस छोड़ के आउट ऑफ द क्रिस्टल चला गया तो उसकी जगह वेकेंसी हो जाएगी तो एनायन वेकेंसी की वजह से मेटल ज़्यादा हो सकता है और दूसरा ऐसा हो सकता है कि मेटल जो है अगर एनायन उड़ भी गया मान लो जेडनों को हम गर्म करते हैं टॉक्सिन गैस उड़ जाती है तो एक्स्ट्रा जो जिंक है वो क्या करता है इंटरस्टिशियल साइट में जाके फिट हो जाता है तो एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट और एनायन वेकेंसी दोनों ही वजह है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की तो हम कहेंगे दो चीजें थी एनायन वेकेंसी करेक्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट तो भाई वो भी करेक्ट है तो बच्चों यहां जो आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ हो जाएगा ठीक है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ क्लियर तो ये था सिंपल सिंपल सॉलिड स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चन तो बच्चों अगर आप सी वी की भी तैयारी करेंगे ना तो ये चीजें आपको काम आएंगी ठीक है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेंगी अगर आपको क्विज अच्छा लगा हो क्वेश्चंस बने हो तो मुझे बताइएगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस करेक्ट करें ठीक है तो मिलेंगे अगली बार अगले क्विज के साथ टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय